टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जमीन के अंदर से गई पाइपलाइन से डीजल चोरी करने के दौरान डीजल लीक हो गया और आग लग गई। करीब 3 घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि मुंब्रा शील डायघर थाने के सीमा से होकर गुजरने वाली भारत पेट्रोलियम कंपनी की भूमिगत डीजल पाइपलाइन से डीजल चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है। इस पाइपलाइन से डीजल चोरी करते समय डीजल पाइपलाइन से लीक हो गया और आग लग गई। इसकी सूचना मिलते ही पेट्रोलियम कंपनी और दमकल विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग की टीम अनर्थ होने से पहले ही यहां पर पहुंच गई, स्थिति को नियंत्रण में किया और सौभाग्य से कोई भी हताहत नहीं हुआ है। आपदा प्रबंधन ने कहा है कि भारत पेट्रोलियम कंपनी की भूमिगत डीजल पाइपलाइन शील महापे रोड से होकर गुजरती है। भूमिगत पाइपलाइन मुंबई से डीजल पाइपलाइन रिफाइनरी से मनमांड और मनमांड से दिल्ली तक है। इसी डीजल पाइपलाइन से अज्ञात चोर डीजल चोरी कर रहे थे और इसी दौरान पाइपलाइन से डीजल लीक हो गया चोरी करते समय और ये डीजल सड़क पर बहने लगा जिसमें आग लग गई। 3 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने फोम की मदद से आग पर काबू पाया। बहरहाल इस घटना ने चोरी की पोल खोल दी है। रिसाव की सूचना मिलने के बाद भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन कंपनी के कर्मचारी और ठाणे दमकल विभाग की एक दमकल की गाड़ी और नवी मुंबई दमकल विभाग की एक दमकल की गाड़ी और MIDC कर्मचारी मौके पर पहुंचे थे, यानी कि दमकल कर्मी की 3 दमकल के वाहन वहां पर मौजूद थे। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग ने यह भी बताया है कि चोरी करने के दौरान जो डीजल लीक हुआ उसके बाद आग लगी, इसमें किसी के भी हाथाहाथ होने की खबर सामने नहीं आई है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।